तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा आसान बनाने के लिए मैं स्टार्टिंग में ही आपको एक बात बता दूं कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोर्स, पॉलन ग्रेन्स या मेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, या ये जो पॉलन ग्रेन्स मैं बार बार बोल रहा हूँ, माइक्रोस्पोर्स जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो इस बात को आप बहुत आसानी से इस टर्म में भी समझ सकते हैं। मैंने इसको तीन पार्ट में तोड़ करके लिखा है, माइक्रो स्पोरो जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन या फॉर्मेशन या प्रोडक्शन। किसका? स्पोरो मतलब स्पोर्स का, और कौन से स्पोर्स? माइक्रो स्पोर्स। और माइक्रो टर्म या वर्ड हम लोग यूज करते हैं मेल्स के रिस्पेक्ट में। तो मैंने आपसे ये बताया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो स्पोर्स। तो ये माइक्रो स्पोर्स के बनने की प्रोसेस को मैं क्या बोल रहा हूँ? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैं फिर से एक बार रिकैप करा रहा हूँ आपको। मैंने आपसे ये कहा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स के बनने की प्रोसेस को मैं बोल रहा हूँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये इवेंट या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स वो कहाँ पे रहे होंगे? आपको पता है कि जो मेन मेल फर्टाइल पार्ट है, जो मेल सेक्स ऑर्गन का फर्टाइल पार्ट है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? एंथर। तो ये एंथर के अंदर बन रहे होंगे। मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ स्ट्रक्चर एंथर का। तो अगर आपने एंथर को कट करके देखा था तो ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। तो ये जो बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया। इस बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर्स। तो इसको मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ। एंथर का स्ट्रक्चर मैंने कई बार बनाया है आपको। मैंने बताया कि एंथर जो है ये एक इस तरीके का बाइलोब स्ट्रक्चर है। और अगर मैं इसको ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट कट कर रहा हूँ तो इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। इसमें 1, 2, 3, 4 ये थीका प्रेजेंट होंगे, और हर एक थीका के अंदर यहाँ पे बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, अभी मैंने आपको दिखाया। और जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है वो इस बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हो रही होगी। तो मैंने आपसे एक बात बताया था कि जो बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स का डेवलपमेंट या फॉर्मेशन हो रहा है, उस बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। तो अगर मैं माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ तो जिस बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे उस बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया, कई सारे होंगे। तो मैंने यहाँ ये बताया आपको कि माइक्रोस्पोर्स बनेंगे इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल सकता हूँ? इस बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल सकता हूँ? माइक्रोस्पोरेंजियम। और कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है? 1, 2, 3, 4। हर एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम। एक एंथर में दो लोब्स, बाइलोब अरेंजमेंट। एक लोब के अंदर दो थीका, डाइथीकस अरेंजमेंट। और हर एक थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे। तो पूरे एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि 4 थीकास प्रेजेंट हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ एन एंथर इन टर्म्स ऑफ स्पोरेंजिया इज टेट्रास्पोरेंजिएट। ऐसा अरेंजमेंट होगा, टेट्रास्पोरेंजिएट अरेंजमेंट होगा, क्योंकि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। और इस चारों माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, मैंने आपको बताया कि इन चारों माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर्स। तो दो बात आपको समझ में आ गई कि इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बोल किसको रहा हूं और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा कहां पे? एंथर में होगा, और एंथर में भी किसमें? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता है, पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर यहाँ पे बहुत सारे सेल्स के क्या होंगे? ग्रुप प्रेजेंट होंगे। और आपको याद हो अगर तो इन सेल्स को मैं बोल रहा हूं स्पोरो जीनस सेल्स। मैंने इन सेल्स को क्या बोला? स्पोरोजीनस सेल्स। और ये जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं, ये आई कहाँ से? तो मैंने आपको बताया था कि जब एंथर का डेवलपमेंट हो रहा था तो इनके चारों कॉर्नर्स पे प्राइमरी पैराइटल सेल्स के
फास्टर डिवीजन की वजह से जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स थी वो एक पैकेट या सैक लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में पैक्ड हो गई थी हर एक कॉर्नर्स पे। तो वही वाली ये क्या है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है, या फिर इनको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोजिनस सेल्स बोल रहे हैं। तो एक बार मैं रिकैप करा रहा हूं आपको कि ये जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये आई कहां से, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से, और ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहां से आई है, आर्की स्पोरियल सेल्स के डिवीजन से। और आर्की स्पोरियल सेल ने क्या किया, डिवाइड किया, कौन सा डिवीजन होगा यहां पे, माइटोसिस, माइटोसिस। और आर्किस्पोरियल सेल में माइटोसिस जब होगी तो दो तरीके की सेल्स बनेंगी, जो बाहर की तरफ थी उनको हम क्या बोल रहे थे, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, जो कि क्या बनाएंगी, वॉल ऑफ एंथर, और दूसरी क्या बनेंगी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, और इनको हम लोग और क्या बोल रहे हैं, स्पोरोजिनस सेल्स बोल रहे हैं आगे चल के। और ये स्पोरोजिनस सेल हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कॉम्पैक्टली क्या होंगी, पैक्ड होंगी। तो अगर हम स्पोरोजिनस सेल्स को देखें तो ये स्पोरोजिनस सेल्स कुछ इस तरीके से होंगी, बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड होंगी या कह सकते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगी, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस निग्लिजिबल होंगी, ना के बराबर होंगी। ये ढेर सारे क्या है, इसमें जो न्यूक्लियस है ये मोर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसके अंदर ये प्रेजेंट है, और हमने आपको ये बताया कि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली क्या होंगी, ये पैक्ड होंगी, और इनके बीच में यहाँ पे ढेर सारे प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन प्रेजेंट होंगे। ये क्या है, प्लाज्मोडेसमेटा है, इन सब सारी सेल्स के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन प्रेजेंट है। तो अगल बगल की सेल्स यहाँ पे बहुत सारे प्लाज्मोडेसमेटा के थ्रू क्या हुई है, यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो हमने ये बताया कि ये कुछ हमने स्पोरोजिनस सेल्स बनाया, और मैंने ये कहा कि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक होंगी, और इसमें क्या होंगे, बहुत सारे प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन होंगे, यानी अगल बगल की सेल्स यहाँ पे प्लाज्मोडेसमेटा के थ्रू क्या होंगी, जुड़ी हुई होंगी। तो ये जो स्पोरोजिनस सेल्स है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ये स्पोरोजिनस सेल्स माइटोसिस के थ्रू यानी माइटोटिकली डिवाइड होकर के अपना नंबर बढ़ाती रहेंगी। हमने आपसे ये कहा कि ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है, स्पोरोजिनस सेल्स है इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, ये वाली सेल्स ये माइटोसिस के थ्रू अपना नंबर क्या करती रहती है, इंक्रीज करती रहती है। अगर इनका नंबर सफिशियंट है तब ये नहीं डिवाइड कर सकती, या कह सकते हैं ये ना भी डिवाइड कर रही होंगी, लेकिन अगर नंबर कम है स्पोरोजिनस सेल्स का तो ये स्पोरोजिनस सेल्स माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करके अपना नंबर क्या करती रहेंगी, इंक्रीज करती रहेंगी, और इनका सफिशियंट नंबर होगा तो ये डिवीजन नहीं भी शो कर सकती। तो ये जो स्पोरोजिनस सेल्स है, इन स्पोरोजिनस सेल्स में होता है मॉडिफिकेशन। हमने ये बोला कि इस स्पोरोजिनस सेल में क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन दो तरीके के होंगे, यहाँ पे दो टाइप्स के मॉडिफिकेशन होंगे। एक मॉडिफिकेशन ऐसा है कि इसमें ये जो प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन है, यानी इसमें प्लाज्मोडेसमेटा क्या होंगे, ब्रेक होंगे। और दूसरा मॉडिफिकेशन इसमें ये हो रहा है कि इन सेल्स के चारों तरफ कैलोस कार्बोहाइड्रेट का डिपोजिशन हो जा रहा है। अगर आपको याद हो तो ये जो माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स हैं, इसके जस्ट यहाँ पे नियर इनर मोस्ट वॉल ऑफ एंथर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, टैपेटम। तो ये जो टैपेटम की सेल्स हैं, ये सिक्रीट करेंगी एक सुगर या पॉलीसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कैलोस, और वो कैलोस आकर के, ये जो कैलोस सिक्रीट हो रहा है, ये कैलोस आकर के इन सेल्स के चारों तरफ यहाँ पे इनकी वॉल पे इस तरीके से डिपॉजिट होते रहेंगे। तो हमने ये कहा कि एक मॉडिफिकेशन प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पे, डिपोजिशन ऑफ कैलोस कार्बोहाइड्रेट। यानी कि अगर मैं इन सेल्स को मॉडिफिकेशन के बाद देखूंगा तो यहाँ पे ये सेल्स हैं, इसमें प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन क्या हो जा रहे हैं, ब्रेक हो जा रहे हैं, और इस वजह से ये सेल्स क्या हो जा रही है, सेपरेट हो जा रही है, और इनके चारों तरफ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से कैलोस कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पे थिकनिंग आ जाएगी, अपियर हो जाएगी, इस तरीके से इसमें कैलोस कार्बोहाइड्रेट की थिकनिंग अपियर हो जाएगी सारी सेल्स को। तो ये जो प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन ब्रेक हो रहा है स्पोरोजिनस सेल्स में, और यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है कैलोस कार्बोहाइड्रेट का या कैलोस सुगर का या पॉलीसेक्राइड का, तो इन स्पोरोजिनस सेल्स को इतने मॉडिफिकेशन के बाद मैं बोल रहा हूँ माइक्रोस्पोर मदर सेल। मैंने इसको बोला माइक्रोस्पोर मदर सेल। और एक बात और आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अगर
हम गैमेट्स की बात कर रहे हैं, अगर हम गैमेट्स की बात कर रहे हैं तो गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। और ये गैमेट माइटोसिस के थ्रू भी बन सकते हैं और मियोसिस के थ्रू भी बन सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल में इसको आपको कराया है। माइटोसिस के थ्रू तब बनेंगे जब ऑर्गेनिज्म क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। लेकिन ऑर्गेनिज्म अगर डिप्लॉयड है तो ये गैमेट जो बनेंगे, डिप्लॉयड का मतलब ऑर्गेनिज्म 2n है और गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉयड। यहाँ पे डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस। डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस। और जिन सेल्स में डिवीजन कौन सा होता है, मियोसिस, उन सेल्स को मैं बोल रहा हूँ मियोसाइट्स। और ये जो मियोसाइट्स हैं ये मदर सेल्स होती हैं, ये होती हैं मदर सेल्स, ये होती हैं मदर सेल्स। तो अगर हम इन गैमेट्स को बोल रहे हैं माइक्रो स्पोर्स, तो इन मदर सेल्स को मैं बोल रहा हूँ माइक्रो स्पोर मदर सेल। और अगर मैं इन गैमेट्स को बोल रहा हूँ पॉलन ग्रेन्स, तो इन सेल्स को मैं, इन मदर सेल्स को मैं बोल रहा हूँ पॉलन मदर सेल। दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड कि मैंने ये बोला कि गैमेट्स हमेशा क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे। अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड होगा तो माइटोसिस के थ्रू बनेगा ये, लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होगा तो मियोसिस होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करना है। और जिन सेल्स में मियोसिस हो रहा है, इन सेल्स को मैं बोल रहा हूँ मियोसाइट। और मियोसाइट जो होती है वो मदर सेल्स होती हैं। अगर मैं गैमेट को माइक्रोस्पोर बोल रहा हूँ तो इस मदर सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल रहा हूँ। अगर मैं गैमेट को पॉलन ग्रेन या पॉलन्स बोल रहा हूँ तो इन मदर सेल्स को पॉलन मदर सेल बोल रहा हूँ। ये बहुत ईजी है आपको समझना, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमको हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि अगर कहीं पे भी आपको मियोसाइट या मदर सेल लिखा हुआ दिख गया तो आप तुरंत ये सोच लीजिए कि ये बनाएंगे गैमेट्स और इसमें क्या होगा, मियोसिस, अगर ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की है तो। तो मैंने आपसे ये कहा कि मदर सेल्स जो है वो हमेशा क्या बना रही हैं, गैमेट्स बना रही हैं। मदर सेल्स जो हैं वो इनमें हमेशा क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की सेल्स हैं। और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की सेल्स में मियोसिस केवल गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो मदर सेल्स हैं इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल्स बोलेंगे, क्योंकि ये क्या बना रही हैं, माइक्रोस्पोर्स बना रही हैं या फिर पॉलन से पॉलन ग्रेन्स बना रही हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम इन सेल्स को माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, इन सेल्स को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या फिर इनको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलन मदर सेल्स बोल सकते हैं। अब इन माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल्स में कौन सा डिवीजन होगा, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिवीजन होगा रिडक्शनल डिवीजन, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मियोसिस होगा। और आपको बहुत अच्छी तरीके से सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा है आपने कि एट द एंड ऑफ मियोसिस देयर विल बी फोर डॉटर सेल्स। कितनी डॉटर सेल्स बनेंगी, फोर इन नंबर। तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर हम एक को देख रहे हैं, यानी अगर सिर्फ हम क्या करें, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के डिवीजन को देखें और बाकी की माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को हटा दें, यानी कि यहाँ पे प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन ब्रेक होने के बाद ये सारी की सारी इंडिविजुअल सेल्स जो थी उनको हमने बोला माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, ये एट द एंड ऑफ मियोसिस प्रोड्यूस करेंगे फोर डॉटर सेल्स। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो डॉटर सेल्स बनेगी इनको मैं बोल रहा हूँ माइक्रोस्पोर्स, इनको मैं बोल रहा हूँ माइक्रोस्पोर्स। कितने बनेंगे ये, 1, 2, 3, 4, ये चार क्या बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। और ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये कैलोज कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से आपस में इस तरीके से क्या होंगे, अटैच होंगे या कनेक्टेड होंगे या जुड़े होंगे। यानी मैं ये कह रहा हूँ ये जो माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर जो है ये कितने बन रहे हैं, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से फोर। और ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर जो हैं ये कैलोज कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से बने माइक्रोस्पोर्स हैं, ये इनका जो ये फोर फोर का सेट है इसको मैं बोल रहा हूं माइक्रोस्पोर टेट्राड, इनको मैं बोल रहा हूँ माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो मैंने ये बोला आपको कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है इसमें जब मियोसिस होगी तो चार माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, और ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर कैलोज कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से चिपके हुए होंगे। और इन चार के सेट को मैं क्या बोल रहा हूँ, चार माइक्रोस्पोर्स हैं तो माइक्रोस्पोर टेट्राड। मैंने बोला टेट्राड वर्ड यूज किया है मैंने किसके लिए, फोर माइक्रोस्पोर के लिए।
एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी चाहिए इसमें वो ये कि जितने भी माइक्रोस्पोर्स होंगे ये हमेशा कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे, हमेशा कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे, क्योंकि इसमें कौन सा डिवीजन हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी चाहिए कि ये फर्स्ट सेल है मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन की। तो मैंने आपको चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस के एंड पे 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स कैलोज कार्बोहाइड्रेट के हेल्प से जुड़े हुए होंगे और इस पूरे के पूरे सेट को हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स इन माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे, क्योंकि ये मियोसिस के थ्रू बने हुए हैं। और मैंने आपको ये कहा कि ये फर्स्ट सेल होगी मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन की, यानी कि मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल कौन सी है, माइक्रोस्पोर्स। मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल कौन सी है, माइक्रोस्पोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, इस वजह से मैं इसको बार बार आपको बता रहा हूँ। मैंने ये कहा कि ये जो मेल गैमेटोफाइट है, इस मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल कौन सी है, माइक्रोस्पोर्स है। आपको एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ, आपको बताना है फर्स्ट सेल स्पोरोफाइटिक जनरेशन की, यानी कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं। मैंने आपको बोला कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया कि गैमेटोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल को हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर। मैंने आपको होमवर्क दिया कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल को हम लोग क्या नाम देंगे। तो ये चार क्या बन गए, माइक्रोस्पोर्स बन गए, चार क्या बन गए, माइक्रोस्पोर्स बन गए। और ये माइक्रोस्पोर्स से रिलेटेड चार इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको क्या करना है, याद रखना है। फिर मैं आगे की इवेंट या प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि ये जो टैपेटम की सेल्स है इसने क्या सिक्रेट किया था, कैलोज। और ये कैलोज इन माइक्रो ये स्पोरोजिनस सेल्स के चारों तरफ क्या हो जा रहे थे, इस तरीके से थिकनिंग बना रही थी। और इसी कैलोज कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, इन माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो इसी टैपेटम से जिससे कैलोज निकल रहा था, इसी टैपेटम की सेल से कैलोज को डाइजेस्ट करने का एक एंजाइम निकलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं ये जो माइक्रोस्पोर्स है इसमें टैपेटम के थ्रू एक एंजाइम निकल रहा है और इस एंजाइम को मैंने बोला कैलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, दैट इज कैलेज। एज वर्ड यूज करते हैं हम लोग एंजाइम के नेम के लास्ट में, सफिक्स के फॉर्म में। तो इस कैलोज कार्बोहाइड्रेट को ये कैलेज एंजाइम क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। यानी कि यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इनके कनेक्शन को ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये इस तरीके से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए माइक्रोस्पोर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, इस तरीके से अलग, क्योंकि ये जिसके थ्रू जुड़े हुए थे, जिस केमिकल के थ्रू, उसको डाइजेस्ट कर दिया किसने, इसको डाइजेस्ट करने वाला रिस्पेक्टिव एंजाइम। यानी मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे सारे के सारे माइक्रोस्पोर टेट्राड के जो थे वो क्या हो गए, फ्री हो गए। और फिर उसके बाद ये राउंडिंग ऑफ हो जाएंगे, यानी कह सकते हैं ऑन मैचुरेशन एंड डिहाइड्रेशन ये इस तरीके के स्ट्रक्चर में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। और इनको मैं बोल रहा हूं पॉलन या पॉलन ग्रेन्स। तो मैंने आपसे ये कहा कि ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड में चार माइक्रोस्पोर्स कैलोज कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से जुड़े हुए थे, टैपेटम के सेल्स ने कैलेज एंजाइम सिक्रेट किया और इनने क्या, इस कैलेज एंजाइम ने क्या किया, ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स के बीच में जो कैलोज कार्बोहाइड्रेट था उसको डाइजेस्ट कर दिया और ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। और ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ये माइक्रोस्पोर्स राउंडिंग ऑफ हो गए, यानी कि ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए और ऑन मैचुरेशन एंड डिहाइड्रेशन ये ट्रांसफॉर्म हो गए एक दूसरे स्ट्रक्चर में और उस स्ट्रक्चर का नाम मैंने क्या लिखा है, पॉलन ग्रेन्स या पॉलन्स। तो माइक्रोस्पोर्स जो है मैच्योर होकर के क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। माइक्रोस्पोर्स जो है ये मैच्योर होकर क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन्स या पॉलन्स बनाएंगे। और पॉलन ग्रेन को या पॉलन्स को मैं बोल रहा हूं मेल गैमेटो फाइट, इसको मैं बोल रहा हूं मेल गैमेटो फाइट, इसको मैं बोल रहा हूं मेल गैमेटो फाइट। तो एक बार मैं आपको इस पूरी प्रोसेस को क्या कर रहा हूँ, रिकैप कर रहा हूँ। मैंने आपसे बोला
कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स को बोल रहा हूँ, ये प्रोसेस हो रही होगी एंथर के माइक्रोस्पोरेंजियम में। और हमने आपको बताया था कि एंथर के डेवलपमेंट में जो प्रिमिटिव स्पोर फॉर्मिंग सेल्स थी उनको मैंने बोला था आर्किस्पोरियल सेल्स, जिसमें माइटोसिस के थ्रू प्राइमरी पैराइटल सेल्स और स्पोरोजिनस सेल्स बनी, और ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स से स्पोरोजिनस टिश्यू बना, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू या सेल्स जो है ये एंथर के हर एक थीका में कॉम्पैक्टली क्या होती है, पैक्ड होती है एक सैटेलाइट स्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें इन स्पोरोजिनस सेल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि सारी की सारी स्पोरोजिनस सेल्स इन स्पोरोजिनस टिश्यू प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी, और ये डेंसली या कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगी। और फिर होता क्या है, इसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, दो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं इसमें, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस, ये जो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस हैं ये प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस ब्रेक हो रहे हैं, और जब प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस ब्रेक हो जाएंगे तो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन के ब्रेक होने की वजह से ये सेल्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन ये हो रहा है कि टैपेटम क्या कर रही है, कैलोज कार्बोहाइड्रेट सीक्रेट कर रही है, और वो कार्बोहाइड्रेट इस सेल के चारों तरफ यहाँ पे एक थिकनिंग बना ले रही है इस तरीके से। और इस एक सेल को मैं बोल रहा हूँ माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल में कौन सा डिवीजन हो रहा है, रिडक्शनल या मियोटिक डिवीजन या मियोसिस हो रहा है, और इससे क्या बन रहे हैं माइक्रोस्पोर्स। तो एक बात आप बहुत अच्छे से ये समझिए कि ये जो मियोसिस है इसमें हो रही है मियोसाइट्स में, और मियोसाइट को मैं मदर सेल बोल रहा हूँ, और मैंने ये बताया है आपको अभी थोड़ी देर पहले ये हमेशा क्या होंगी, डिप्लॉयड होंगी। तो ये सेल्स जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये भी क्या होंगी, डिप्लॉयड होंगी। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स भी क्या होंगी, डिप्लॉयड होंगी। और आर्किस्पोरियल सेल्स भी क्या होंगी, क्योंकि माइटोसिस के थ्रू ये बनी है तो ये भी डिप्लॉयड होंगी, और फिर ये भी क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। तो सारी प्लॉयडी हमको याद रखना है। लेकिन मियोसिस के बाद जो सेल बनेगी, मियोसिस के बाद कौन सी सेल्स बन रही हैं, ये वाली सेल्स जिनको मैं क्या बोल रहा हूँ, माइक्रोस्पोर्स। तो ये क्या हो जाएंगे, हैप्लॉयड हो जाएंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे। फिर मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्पोर्स जो बन रहे हैं चार एक मदर सेल से या माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ये कैलोज कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं, और ये चार चार के सेट को मैं बोल रहा हूँ माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिर उसके बाद ये टैपेटम कैलेज एंजाइम रिलीज करेगा, जिसकी वजह से सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स सेपरेटेड हो जाएंगे, और फिर उसके बाद ये राउंडिंग ऑफ होकर के ऑन मैच्योरेशन एंड डिहाइड्रेशन ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है इसमें पॉलिन ग्रेन्स में या पॉलिन्स में, जिसको मैं बोल रहा हूँ मेल गैमेटोफाइट। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग इसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन और क्या समझेंगे, पॉलिन ग्रेन्स या कह सकते हैं पॉलिन्स का फॉर्मेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये माइक्रोस्पोर्स कैसे बन रहे हैं और ये पॉलिन ग्रेन्स या फिर कह सकते हैं मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन।